ये बिल्कुल फ्री लाइट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगा मेरा बनाने में। तो चलें बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। दो लाइटें लगी हुई हैं, एक डीसी लाइट है जिसके ऊपर ये शॉपर चढ़ा हुआ है, ये दो खुले में जो लगी हुई हैं ये एसी लाइट हैं। तो एसी लाइट को हम डीसी वाली लाइट के अंदर फिट करेंगे। सबसे पहले इसके कनेक्शन खोल लेते हैं, सेफ्टी फर्स्ट है भाई, इलेक्ट्रिक का काम है, कोई मजाक नहीं है। कनेक्शन खोले और ये सप्लाई उतार लेते हैं और लाइटें भी उतार लेते हैं ताकि हम उस लाइट के अंदर फिट कर सकें। ये जो लाइट आप देख रहे हो ये 50 वाट की लाइट है, 25 25 वाट की ये दो लाइट हैं, ये वाली ये लाइट हैं, और ये 50 वाट की एक सप्लाई है, ये सीरीज़ में की हुई है ताकि ये लाइटें जले भी नहीं। दोस्तों इस लाइट को भी उतार लेते हैं, इसकी टेपें खोल के ये तार अंदर से खींच लेते हैं। फाइनली जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इस लाइट को हम यहाँ से निकाल लेते हैं ताकि हम दूसरी लाइट इसके अंदर फिट कर सकें। इसके स्क्रू वगैरह खोल लेते हैं। इसका जो है ना ये प्रिंट डैमेज ही लग रहा है, टेढ़ी हो गई हल्की सी। इस लाइट को हम इस प्लेट के अंदर फिट करने की कोशिश करते हैं, इसका पेपर उतार लेते हैं पहले। को रख के अच्छे से इसकी मार्किंग कर लेते हैं, इसकी जगह पे फिर होल मारते हैं ताकि स्क्रू वगैरह लगा सकें। ये हमारी पावरफुल लाइट तैयार हो गई है, इसको चेक करते हैं। अरे इसकी सप्लाई बैक साइड में लगानी थी, चलते हैं सीधा दुकान पे, इसकी सप्लाई वगैरह काटते हैं, कनेक्शन हटा देते हैं, इसको यहाँ से इसको सुराख कर लेते हैं, इसका से छोटे छोटे दो होल किए। ये देखो ये देखो, इसका ये प्लस लगाएंगे हम यहाँ पे, ये प्लस वाली तार आ गई रेड इधर, और ये माइनस यहाँ से, ये हमारे माइनस आ गई ब्लैक तार आ गई। आयरन कर लेते हैं सही से, टांका इतना मजबूत लगाए ताकि दोबारा उतरे नहीं।
सारे फिटिंग तो हमने कर दी है प्रॉपर तरीके से, सप्लाई के पीछे लगा दिए। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पर सीरीज में ये सिर्फ एक पट्टी इसकी चलेगी, डायरेक्ट में दोनों पट्टियाँ चलेंगी इसकी। अब इसको क्लिप लगा देते हैं सप्लाई को, ताकि सप्लाई गिरे नहीं। डुप्ली क्लिप है हमारे पास, दोनों साइड में सुराख करते हैं, क्लिप लगा देंगे। दोस्तों इसकी साइडें अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं, ताकि इसका फोकस सीधा सामने रहे। यहाँ से इसको फोल्ड कर लेते हैं साड़ी को, फोकस इसका सामने की तरफ होगा तो लाइट तेज लगेगी। ये लाइट हमारी बनकर तैयार हो गई है। वाटरप्रूफ तो पहले से ही, लेकिन फिर भी हम एहतियातन इसको शॉपर में डाल देते हैं, ताकि इसके अंदर पानी नहीं जाए। अच्छे से टेप लगा देते हैं।